लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान्स चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखिए। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूजर हैं तो आपने डेवलपर ऑप्शन सेटिंग का नाम जरूर सुना होगा अपने मोबाइल के सब्जेक्ट में, या तो दोस्तों आपने हो सकता है इसको यूज में भी लिया हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनको ये पता ही नहीं है कि मोबाइल में एक हाइडन सेटिंग भी होती है जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ डेवलपर ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बताऊंगा डेवलपर ऑप्शन होता क्या है और उस पर कौन कौन सी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, और मैं यहाँ पे आपको टॉप 10 उसकी सेटिंग्स को यूज करना भी बताऊंगा कि उन सेटिंग्स की मदद से आप अपने मोबाइल को कितने एडवांस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों, बने रहिए आप लास्ट तक मेरे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ मोबाइल की या फिर कंप्यूटर की, तो उनको आप एक बार यूज करके जरूर देखा करें, उसको ट्राई करके जरूर देखा करें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ ये मैं खुद उसको सर्च करता हूँ, उसके बारे में समझता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ कि वो सेटिंग्स आपको काम आएंगी। तो आप उनको एक बार जरूर यूज में कर लिया करें ताकि आपको पता तो चल सके कि हमारे मोबाइल में ये सब भी हो सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं डेवलपर ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो डेवलपर ऑप्शन है ये एडवांस सेटिंग होती है मोबाइल की। जी हाँ दोस्तों, जो कि दोस्तों हाइड होती है मोबाइल में। आप अगर सेटिंग्स में आके उसको सर्च करते हैं तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को, तो दोस्तों आपको सबसे पहले जाना होता है अपने मोबाइल के अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको वहां पे एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। किसी किसी ओप्पो के मोबाइल में या तो दोस्तों और चाइनीज जो मोबाइल है उस पर वो बिल्ड नंबर की जगह वर्जन के नाम से होता है। दोस्तों, इस या बिल्ड नंबर या वर्जन में आपको 7 बार टैप करना है कंटिन्यू, और जब आप 7 बार टैप करते हैं इसके बाद वहां पे लिखा आ जाता है कि यू आर नाउ डेवलपर, तो मतलब आप डेवलपर बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं उस डेवलपर सेटिंग के अंदर, और उसके बाद आप उस पर जितनी भी सारी सेटिंग्स हैं उन सबका बड़ी आसानी से यूज में ले सकते हैं और उन सबका मजा भी उठा सकते हैं। अब दोस्तों, वो जो डेवलपर ऑप्शन है वो कहां पे देखने को मिलता है, जब आप उसको इनेबल कर लेंगे 7 बार टैप करके बिल्ड नंबर में या वर्जन में, तो दोस्तों ये मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसके सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा। या तो दोस्तों कुछ मोबाइल्स में चाइनीज मोबाइल में या ओप्पो के स्पेशल ओप्पो के मोबाइल में आपको ये जो सेटिंग है ये एडिशनल सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि जो डेवलपर ऑप्शन है ये एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा ओप्पो के मोबाइल में और कुछ चाइनीज मोबाइल में, और बहुत से मोबाइल में दोस्तों ये सिर्फ सेटिंग्स के सबसे नीचे साइड में आपको देखने को मिल जाता है, सेकंड लास्ट नंबर में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर की सेटिंग्स के बारे में बताता हूं कि आपको उसके अंदर कौन कौन सी एडवांस सेटिंग्स देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं आपको डेवलपर ऑप्शन की सारी सेटिंग्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है। लेकिन दोस्तों, वहां पे जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो जल्दी से मैं आपको उन सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं कि उनके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है और आप किस तरीके से उनको यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पे जो इसकी फर्स्ट सेटिंग है वो है स्टे अवेक। जी हां दोस्तों, इस सेटिंग की मदद से अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो कभी मतलब बंद नहीं होगी, वो मतलब जब तक चार्ज में लगा रहेगा आपका मोबाइल तो वो जो स्क्रीन है आपकी मोबाइल की चलती रहेगी, लाइट इस पे जलती रहेगी, जो भी आप कर रहे थे वो होता रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इस सेटिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपको ऊपर साइड ही आपको देखने को मिल जाती है डेवलपर ऑप्शन के ऊपर ही साइड में, और इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो बंद नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड सेटिंग जो है वो है यूएसबी डबिंग। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने मोबाइल की एप्स को या तो फिर कंप्यूटर के एप्स को अपने मोबाइल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, या मोबाइल के एप्स को कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, या तो अपने मोबाइल को आप रूट करना चाहते हैं अब कंप्यूटर के माध्यम से तो आप रूट भी कर सकते हैं, या तो मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब फाइनली आपका मोबाइल का और कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो इस सेटिंग के माध्यम से बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको तीसरी सेटिंग के बारे में बताऊं तो उसका नाम है एग्रेसिव वाईफाई टू मोबाइल हैंडओवर। दोस्तों, इस सेटिंग को अगर आप इनेबल करते हैं तो इसके माध्यम से जब भी आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होकर अपने मतलब मोबाइल में कुछ वर्क कर रहे होते हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं या कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, तो वो तो बड़ी आसानी से काम होता है। लेकिन जैसे ही वहां पे नेटवर्क कम हो जाता है वाईफाई वाला, तो आपके जो मोबाइल का नेटवर्क है वो बड़ी आसानी से चालू हो जाएगा और आपका जो भी वर्क है वो बीच में रुकेगा नहीं। अक्सर ऐसा होता है हम वाईफाई को यूज में लेते हैं और वाईफाई का नेटवर्क जब खत्म होता है तो दोस्तों हमारा जो वर्क होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मोबाइल का डेटा जो है वो चालू हो जाएगा और आपका जो भी वर्क है, फॉर एग्जांपल आप मूवी डाउनलोड कर रहे होंगे तो कंटिन्यू डाउनलोड होती रहेगी, या तो आप मूवी देख रहे हैं तो आप देखते रहेंगे, तो यहां पे कोई भी रुकावट नहीं आएगी अगर आप इस सेटिंग को यूज में ले लेंगे तो।
दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है शॉर्ट टच। दोस्तों ये जो सेटिंग है ये पर्सनली मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत काम की है। दोस्तों इस सेटिंग की मदद से अगर आप मोबाइल में कुछ भी काम कर रहे होते हैं और स्क्रीन में कहीं भी टैप करते हैं तो जहां भी आप दबाएंगे तो वहां पे आपको एक टच शो होगा, यानी एक बॉल शो हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पे टच कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है बहुत काम की है, बहुत यूजफुल भी है, इससे आपको ये पता चलता रहता है कि आप प्रेजेंट टाइम में कहां पे टच कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो भी बहुत एडवांस है और बहुत अच्छी है, उसका नाम है दोस्तों पॉइंटेड लोकेशन। मतलब दोस्तों जब भी आप कहीं भी अपने मोबाइल की स्क्रीन में टच करते हैं तो वो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कहां पे टच किया है, वहां पे एक लाइन खींची आ जाएगी, मतलब आपको पूरा शो होता रहेगा कि आप कहां कहां पे टच कर रहे हैं, पूरी लाइन मतलब कहां से कहां पे जा रहे हैं, सब कुछ आपको ग्राफ जैसा देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आप इस पॉइंटर लोकेशन को इनेबल कर देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक स्क्रीन को टच किया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग है ये बहुत काम की है, खासतौर से उनके लिए जो लेफ्टी हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग तो राइट ही होते हैं लेकिन बहुत से लोग लेफ्टी भी होते हैं। दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप जो भी चीजें राइट में करते हैं उसको पूरा लेफ्ट में कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आप देखते होंगे जो भी मोबाइल डेवलपर होते हैं और पूरी दुनिया में यूनिवर्स लेवल में देखा जाए तो जो भी मोबाइल के ऑप्शंस होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं और उसकी जो बटन होती है वो राइट साइड में होती है। लेकिन दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप ये कर सकते हैं कि आपके मोबाइल की ऑप्शन जो भी लेफ्ट साइड में थे वो राइट साइड में आ जाएंगे और जो भी बटन राइट साइड में थी वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगी, यानी दोस्तों राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ये सेटिंग दोस्तों लेफ्ट हैंड जो होते हैं, लेफ्ट हैंड से जो वर्क ज्यादा करते हैं उनके लिए बहुत काम आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है स्पीड कंट्रोल। दोस्तों स्पीड कंट्रोल मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके द्वारा आप अपने मोबाइल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल की स्पीड को तेज भी कर सकते हैं और धीमी भी कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल और दोस्तों एनिमेटेड डायरेक्शन स्केल। अब दोस्तों इन तीनों ही जो ऑप्शन है इन तीनों को अगर आप हाई कर देते हैं तो आपकी मोबाइल की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, और इसको अगर आप लो कर देते हैं या फिर ऑफ कर देते हैं आपकी मोबाइल की जो स्पीड है वो मतलब इंक्रीज हो जाएगी। और दोस्तों इनको अगर आप तीनों को यूज में लेते हैं तो आपकी जो गेम खेलते हैं तो गेम खेलने में या तो वर्क कर रहे हैं कोई हार्ड वर्क तो मोबाइल जो है बहुत फास्ट चलेगा। और अगर आप उसका डीपली वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दी है, वहां से आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप अपने मोबाइल में क्या कर रहे हैं उसकी एक और डिस्प्ले देख सकते हैं, मतलब आपके मोबाइल के अंदर ही एक और डिस्प्ले आ जाएगी, उस पर आप देख सकते, मतलब वहां पे आपको जो भी आप मोबाइल में कर रहे हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सेटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है सिमुलेट कलर स्पेस। दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप अपने मोबाइल को ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें चार कलर हैं, मतलब एक तो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, एक ब्लू और रेड का ऑप्शन है, और मतलब चार कलर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस सेटिंग का इस्तेमाल करके, और जो पुरानी टाइप की जो टीवी आती थी CRT टीवी वगैरह, तो उस तरीके की ब्लैक एंड व्हाइट भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कर सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं दिखा के। और दोस्तों बहुत सारे वहाँ पे कलर्स हैं तो आप उनको भी यूज में ले सकते हैं पर्टिकुलर अपनी मोबाइल की डिस्प्ले के कलर को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों ये सेटिंग भी बहुत काम की है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है 100 CPU यूजेस। दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आपके मोबाइल का जो CPU है किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तेजी से वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, पूरा उसका यूजेस जो है आपको सामने देखने को मिल जाएगा, अपने आपके मोबाइल के राइट साइड में पूरे लाइन से देखने को मिल जाएगा। तो आप इस सेटिंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके मोबाइल कितनी तेजी, मतलब क्या क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कितनी उसमें मतलब ताकत लग रही है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सेटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स हैं ये डेवलपर ऑप्शन की एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि दोस्तों हाइड होती हैं, और इसके बाद आप चाहें तो इसको यूज में ले सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करके करे बिना मत जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है अभी तक तो फिर क्या फायदा मेरा वीडियो बनाने का, दोस्तों वीडियो को शेयर करके ही जाइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।